काशीपुर में वाल्मीकि प्रकट दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां वाल्मीकि जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। काशीपुर में सृष्टिकर्ता वाल्मीकि प्रकट दिवस पर भारतीय संस्कृति के पितामह भगवान वाल्मीकि और रामायण दर्शन पर एक बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में बौद्धिक सदजनों ने प्रतिभाग करते हुए भगवान वाल्मीकि के कृतित्व पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाल्मीकि प्रचारक रंजीत लाल प्रेमी ने की और मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के महंत विकासानंद महाराज, अति विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा व संस्कृत पंडित ज्योतिषी शास्त्री थे। सभी ने जनसमूह को भगवान वाल्मीकि के विषय में ज्ञान चर्चा कर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन जितेंद्र देवांतक ने किया। भगवान वाल्मीकि ने मात्र रामायण ही नहीं लिखी बल्कि भारत वर्ष की सनातन संस्कृति का पूर्ण तरीके से उन्होंने विस्तृत भाव से रामायण में दिया है। मात्र पात्र ही नहीं दिए उन्होंने, उन्होंने पूरे रामायण में ही दिखाया कि भारतीय संस्कृति क्या है, और भगवान वाल्मीकि के अलावा भारतीय संस्कृति को सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने विश्व की रचना की है, विश्व में मानव की रचना की है, और वास्तव में अगर सनातन धर्म है तो वो भगवान वाल्मीकि बन सकते। वाल्मीकि अपने आप में पूरा एक ग्रंथ है। वाल्मीकि के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अगर हम ग्रंथों की ओर को जाते हैं तो सृष्टि के रचयिता भी उन्हें इंगित करते हैं जो हमारे ग्रंथ है। तो आज हमने एक प्रयास किया है कि वाल्मीकि को सभी अन्य सभी समाजों को लेकर के चर्चा की जाए, बौद्धिक संगोष्ठी की जाए और ये चर्चा की जाए कि वाल्मीकि क्या है और वाल्मीकि नहीं होते तो भारतीय संस्कृति कहाँ होती, भारतीय संस्कृति के पितामह वाल्मीकि और रामायण दर्शन, इस पर हम संगोष्ठी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वाल्मीकि का जो बिल्कुल सही चरित्र है, जो सही उनका व्यक्तित्व है, वो दुनिया के सामने हमारी वंशावली को सजाया है, इसलिए हम इनको अपना गुरु मानते हैं और गुरु के आधार से हम चलते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपने 14 वर्ष का वनवास और जिस तरीके से उन्होंने अपने माता पिता को और अपने परिवार को और अपनी जनता को जिस तरीके से उन्होंने प्रयास करा, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने किया, तो उस तरीके का क्या कार्य हम लोग भी करने का प्रयास करें और उनके सदमार्ग पर, भगवान राम के सदमार्ग पर हम लोग चलें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।